वो खेल जिसे भारत का राष्ट्र खेल माना जाता है, लेकिन इसे जानने और इसमें रुचि रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। 2018 के बाद एक बार फिर भारत हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। ये देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। भुवनेश्वर देश का एक लौता ऐसा शहर होगा जो हॉकी विश्व कप का दूसरी बार आयोजन कर रहा है। वर्ल्ड कप में भारत को महज एक ही बार 1975 में जीत हासिल हुई थी। तो क्या अब 48 साल का सूखा खत्म होगा? भारत 48 सालों से विश्व कप को जीतने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और आज हॉकी के 4 रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं, जिनमें सबकी निगाहें भारत और स्पेन के मैच पर होंगी। भारतीय फैंस और दूसरे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी हॉकी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ये मैच ओडिशा के राउरकेला स्टेडियम में खेला जाएगा। अपने पहले मैच में भारतीय खिलाड़ी निश्चय ही जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। आज अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत अन्य टीमें भी एक्शन मोड में दिखाई देंगी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में टीम को टूर्नामेंट में उतरने से पहले ही जमकर शुभकामनाएं मिल रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने अंदाज में हरमनप्रीत ब्रिगेट को गुड लक विशेस दे रहे हैं। इस कड़ी में भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, जिन्होंने पुरुष हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिगेज ने वीडियो शेयर कर कहा, हेलो एवरीवन, आई एम जेमिमा रॉड्रिगेज एंड आई एम रेडी विद माय टीम इंडिया जर्सी राइट ओवर हियर टू सपोर्ट एंड चीयर द इंडियन मेंस हॉकी टीम एज दे प्ले द वर्ल्ड कप इन ओडिशा। All the very best to them and let's all go out there, stand behind them and cheer for them. कि वो भारतीय टीम की जर्सी के साथ हॉकी वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, मैं हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए बेकरार हूँ। भारत और स्पेन के मैच की बात करें तो इसका आगाज 7 बजे शाम को होगा। टीम शुक्रवार को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में स्पेन के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी। 2018 में हुए आखिरी विश्व कप में भारतीय टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया था और वो 6 स्थान पर रह गई थी। बताते चलें कि भारत और स्पेन के मैच के पहले इस हॉकी विश्व कप की शुरुआत हो गई है। आज से ग्रुप स्टेज के मुकाबले शुरू हैं। पहले मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना दक्षिण अफ्रीका कर रही है। वहीं दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस आमने सामने हैं। तीसरे मैच में इंग्लैंड और वेल्स की टीम भिड़ेंगी। शाम में 7 बजे से भारत का सामना स्पेन से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।